वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ जो एक्सरसाइज 8.1 जो जैक बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये पार्ट टू वीडियो है, सॉरी ये पार्ट थर्ड वीडियो है, टुडे थर्ड वीडियो है। दो वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको ये आगे वाला अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कि किसी क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बालक और बालिकाओं की संख्या क्या है हम लोग को नहीं पता, लेकिन अनुपात पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना बालक की संख्या बराबर एक्स मानेंगे, लेकिन यहाँ पे अनुपात दिया हुआ मेरा, देखिए 7:4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे 7x। ठीक है, उसी तरह से हम लोग मानेंगे बालिकाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना यहाँ पे 4 है तो हम लोग लिखेंगे 4x। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न में है कि प्रश्न से कह रहा है कि आगे देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो बालक की संख्या कितना है, 7x है। ठीक है, और बालिकाओं की संख्या 4x है। ठीक है, बालक की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 4x है। तो कौन अधिक, लड़का जो है लड़की से 18 अधिक है, तो 18 अधिक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 18 जोड़ दिए। ठीक है, अब हल करते हैं हम लोग। देखिए 4x प्लस 18 है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 7x माइनस 4x बराबर 18। अब इसको जब हल करेंगे तो 3x बच जाएगा यहाँ पे, और 18 देखिए 3 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर आपका भाग में हो जाएगा, 18/3 भाग देंगे तो 6 निकल जाएगा, 6 × 3 = 18, एक्स बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग सॉरी नहीं दिख रहा, एक्स बराबर 6 आ गया। तो हम लोग अब यहां से लिख सकते हैं कि बालक की संख्या कितना है, 7x। तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 42। इसी तरह से बालिकाओं की संख्या कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, बालिका की संख्या दिया हुआ हम लोग यहां पे 4x है। तो क्या होगा, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में है कि यहां पे बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी के लिए हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 42 + 24, जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है आपका, 66 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दिया हुआ है कि रोजी और मेरी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो वर्तमान आयु उसका अनुपात दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, जो 4 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों का जो आयु है उसका योग 32 हो जाएगा। तो दोनों के वर्तमान आयु क्या है निकालना है, चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना रोजी का वर्तमान आयु कितना है दिया हुआ, कितना अनुपात दिया हुआ, 5:5, तो इसको हम लोग 5x मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मानेंगे मेरी, ठीक है, उसका वर्तमान आयु कितना दिया हुआ अनुपात में, 7x मान लेंगे। ठीक, अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या, 4 वर्ष बाद
या फिर आप यहाँ पे लिखिए प्रश्न से 4 वर्ष बाद, क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे रोजी, 4 वर्ष बाद रोजी का हो जाएगा 5x+4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मेरी का भी होगा, इसमें 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x+4। क्लियर। अब यहाँ पे निकालना है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 वर्ष बाद दोनों का योग 32 है, यहाँ पे बराबर दे दीजिए। ठीक है, बराबर 32। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 वर्ष बाद दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 5x+4+7x+4 बराबर 32। क्लियर। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये जोड़िए 5 7 5 12x और यहाँ पे 8 बराबर 32। x बराबर 12x होगा, ये प्लस में है, ठीक है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 32 - 8, इसलिए 12x कितना बच गया आपका 24। 12 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 24/12 कट जाएगा, कितना बार में कटा, 2 बार में मेरा कट गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे रोजी का वर्तमान आयु दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग माने थे, क्या माने थे, रोजी का वर्तमान आयु बराबर 5x। लिखेंगे रोजी का वर्तमान आयु बराबर 5x। ठीक है, तो 5×2=10 वर्ष हो गया, उसका वर्तमान आयु 10 वर्ष है। उसी तरह से मेरी वर्तमान आयु कुछ होगा, इसका क्या हम लोग माने हैं, इसका वर्तमान आयु माने हैं हम लोग यहाँ पे है कि बराबर दिया हुआ है 7x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7×2=14 वर्ष, तो यहाँ पे 10 और 14 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कि सलीम के पिता की उम्र उसकी आयु की 6 गुनी है। जो सलीम के पिता है, सलीम के पिता की उम्र जो है सलीम की आयु से 6 गुनी है। ठीक है, तदि सलीम के पिता उससे 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना सलीम का वर्तमान आयु, एक्स मान लिया, इसी तरह से पिता को भी मानेंगे, सलीम के पिता की आयु कितना हो जाएगा आपका, यहां पे इसका हो जाएगा एक्स तो है लेकिन कितना गुना है, 6 गुना है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ 6 गुना है, सलीम से 6 गुना है। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका। अब प्रश्न से हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न से लिखने के बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि आपका क्वेश्चन में कि दिया हुआ कि सलीम के जो पिता है सलीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए, 35 वर्ष बड़े, तो यहाँ पे सलीम के पिता लिखेंगे, सलीम के पिता सलीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सलीम का कितना है x है, सलीम का आयु x है, कितना बड़ा है 35 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये समीकरण मेरा बन गया, सभी को जो दिक्कत होता है यही बनाने में होता है, समीकरण बनाने में, समीकरण अगर बन गया तो हल आसान हो गया, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होता, समीकरण बनाने में ही हम लोगों को दिक्कत होता है। चलिए समीकरण बन गया तो क्या करेंगे आप, देखिए 6x, ये x देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर क्यों लाए, क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना, और x बिरादरी के लोग एक ही साइड रहेंगे, जो x
जो मतलब कि अल्फा चर वाले पद है उनको एक साइड हम लोग रखते हैं और अचर वाले को एक साइड रखते हैं। तो देखिए उधर क्या बचा, 35 बच गया। अब घटाइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, 6x में 1x घट गया, 5x, 35, ठीक है 35 हो गया आपका। अब क्या करना है, 35 है, अब ये 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 35/5, क्लियर। अब काटिए, 5 एकम 5, 7 पच्चे 35, एक्स बराबर मेरा निकल गया 35, ठीक एक्स बराबर 35 निकल गया। अब देखिए यहां पे हम लोग सलीम का आयु कितना निकल गया आपका, सॉरी एक्स बराबर 7 निकला, माफी चाहते हैं थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ, एक्स बराबर मेरा 7 निकला यहाँ पे, ठीक है। तो 7, अब यहाँ पे सलीम का आयु कितना निकला, यहाँ पे सलीम का आयु बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर 7 निकला तो 7 वर्ष हो गया। इसी तरह से सलीम के पिता की आयु कितना निकला, 6x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुने x कितना है आपका निकला, x बराबर कितना निकला, 7, तो कितना हो गया 46, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया आपका 7 और 42, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि राजीव के पिता की वर्तमान आयु, राजीव की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, जो उनके पिता की आयु है वो राजीव की आयु है उसको जो अभी वर्तमान में उससे 3 गुना है, बड़ा है वो। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है, 5 वर्ष बाद दोनों का जो आयु है वो 58 हो जाता है, ठीक है। तो राजीव के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना, हल में माना राजीव का वर्तमान आयु बराबर एक्स, ठीक। इसी तरह से पिता क्यों मानेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु की 3 गुनी है तो जो है इसका, तो यहां पे 3x हो जाएगा, 3 गुना है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजीव का वर्तमान आयु x+5, ठीक है। इसी तरह से उसके पिता का भी हो जाएगा 3x+5। तो आप प्रश्न से हम लोग चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न से लिखिए। प्रश्न में क्या है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बराबर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 5 वर्ष मेरा ये निकला, तो x+5+3x+5 बराबर 58। अब जोड़ दीजिए, 4x+10 बराबर 58। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 4x है, ये 4x, ये 10+ में इधर उधर जाएगा तो माइनस, तो 4x बराबर 58 माइनस 10, इसलिए x बराबर हो जाएगा 48/4, क्योंकि 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 48/4 हो गया, कट रहा है, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा x का मान निकल गया, x बराबर 12 निकल गया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है कि राजीव के पिता की आयु कितना है, तो राजीव के पिता की आयु बराबर कितना है, 3x, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने x के जगह पर 12 निकला तो यहाँ पे निकल गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 वर्ष, तो उनके पिता की आयु कितना हो जाएगा, 36 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 में है कि समीरा के पास 2 रुपये के सिक्के की संख्या, मतलब कि उसके पास जो हर सिक्का है, ठीक है,
कुछ सिक्के हैं, 2 और 5 के सिक्के हैं, तो वहां पे बोल रहा है कि समीरा के पास 2 के सिक्के की संख्या जितनी है 5 रुपये के सिक्के की संख्या उससे 3 गुनी है। मतलब 2 रुपये का सिक्का जितना है उससे 5 का सिक्का 3 गुना है, ठीक है। यदि समीरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 और 5 के सिक्के कितने हैं। तो हम लोग को पता नहीं 2 और 5 के सिक्के कितने हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, हम लोग लिखेंगे माना माना 2 के सिक्का की संख्या बराबर x। इसी तरह से हम लोग मानेंगे 5 के सिक्के की संख्या क्या है कि 3 गुना अधिक है, 3 गुना है तो 3x, ठीक, क्लियर। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उसके पास यदि समीर के पास 60 कुल 60 सिक्के हैं, बोले 2 और 5 के कुल सिक्के कितने हैं, 60 सिक्के हैं, तो लिखेंगे हम लोग कुल सिक्कों की संख्या बराबर 60। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3x बराबर 60, है ना। कुल सिक्का था, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना कुल निकलेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका। आगे देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 4x बराबर 60, ये 4 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 60/4, ठीक है। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो 15 चौके 4 एकम 4 15 चौक 60, क्लियर। आगे देखिए x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 15 निकल गया, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 2 के सिक्कों की संख्या बराबर x है, तो x बराबर कितना आ गया 15, तो 15 निकल गया। उसी तरह से 5 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 3x, तो यहाँ पे 3 गुने 15 15 3 45, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया, देखिए यहाँ पे 15 एक आंसर और 1 45 आपका आ गया। देखिए दोनों को जोड़िए, 15 45 जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा, आएगा ना, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, तो जो क्वेश्चन बच जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है और लंबे वीडियो मतलब कि देखना आप लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग अगले पार्ट में जो क्वेश्चन बच रहा है उसको हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आपसे अलविदा चाहेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।